स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइज आज मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ जलंधर कैंट। जैसे कि अभी आप पटाखे वटाखे की आवाज सुन ही रहे, दिवाली आने वाली है, लेकिन उससे पहले आता है दशहरा। और दशहरे की जलंधर कैंट में जो तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि कल का दशहरा, तो आज 11 तारीख में जैसी जैसी वहां पे सजावट हुई है ना, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी हमारे इस ब्लॉग में। तो भाई निकलते और आपको दिखाते कैसी कैसी तैयारियां चल रही है। और तैयारियां देखिये यहाँ पे भी चल रही है, रावण बना रहे बच्चे कुछ, बहुत ही प्यारा सा। देखिए आप, पिछले साल ना बारिश वगैरह हुई थी ना, तो करके ना खास सजावट वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन शायद इस साल कैसा सजा है वो चीज़ें तो हम जाके देखेंगे। मैं खुद नहीं गया हूँ, लेकिन उससे पिछले साल ना वहाँ पे तो बहुत अच्छा सा प्रोग्राम चल रहा था। मतलब कि ना लोग वहाँ पे जो स्टेज वगैरह लगी थी ना, रिहर्सल कर रहे थे बच्चे की, जो कि दशहरे वाले दिन जो उन्होंने प्रोग्राम करना होता है। तो आज क्या कुछ देखने को मिलेगा भाई, ये सब चीज़ें सरप्राइज है खुद मेरे लिए भी। लो भाई मैडम आ गए तैयार होकर, चले जाओ चलो। और आज हम ना थर्ड टाइम जा रहे हैं, ये हमारा थर्ड टाइम का ब्लॉग है मेले की तैयारी वाला। हाँ जलंधर कैंट का, और कल हम डाल सकते बहुत भीड़। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं जलंधर कैंट दशहरा मेला देखने के लिए। बाकी भाई भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, पूछे मैडम भीड़ कितनी है, आपको भी दिखाते हैं। भाई एंट्री देख लो आप, कुछ इस तरह से दुकानें तो लग चुकी है, और ये भीड़ देखो भाई कितनी ज़्यादा है। और कल जो है ना मेन दशहरा है, लेकिन उसके एक दिन पहले देखो लोग शॉपिंग करने आ गए, और तरह तरह के स्टॉल लगे हुए देखो आप हमारे जलंधर कैंट में। बाकी सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी है, सामने आर्मी भी लगी है, पुलिस वगैरह का भी खास इंतजाम है, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत अच्छे से प्रोग्राम फंक्शन होता है बहुत बड़े पैमाने पे। यहाँ पे भी स्टॉल लगे हुए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा दुकानें हैं ना, क्योंकि पिछले साल बारिश हो रही थी ना, इस करके काफ़ी कम भीड़ थी और काफ़ी कम दुकानें लगी थी। यहाँ पे लगे हुए हैं बर्तन वगैरह। यहाँ पे लगे सूट, यहाँ पे भी होम असिस्टेंट लगी है, और ये देखिए ये यहाँ पे सामने क्या था, गार्डनिंग का सामान। यस, और 100 रुपया पीस रहिया सेल के लिए, 100 रुपया पीस। और ये सामने पूरी मार्केट है, खाने पीने के स्टॉल भी लगे हुए भाई। ये बोल है, पूजा मैडम बोली इसमें अचार नहीं खराब होता कभी, नहीं होते। हाँ कब, बहुत अच्छा है ना। बाकी भाई भीड़ वगैरह रौनक मेले तो आपको देखने को मिलते ही हैं हर बार। लिपस्टिक 50 रुपये सेल, कुछ इस तरह के कलर आए हुए भाई। ये लगे प्लास्टिक का सामान, मग वगैरह। मार्केट दोनों साइड ही है, इधर भी है इधर भी है।
लाइटिंग वाले बलून है सारे। ये इस बार की नई वैरायटी है ना, लाइटिंग वाले बलून। भाई बहुत ही सुंदर और प्यारा गेट बनाया इस बार, देखा बहुत अच्छी सजावट की है। बाकी अंदर ले जाकर आपको दिखाते हैं कैसी कैसी सजावट हुई और क्या क्या प्रोग्रामों की तैयारी है। तो भाई यहाँ पे सारे के सारे ना वीआईपी वगैरह बैठते हैं, उसी हिसाब से स्टेज बनाई है वो सामने तक। और यहाँ पे पूरा ना अंदर पूरा का पूरा आप देख सकते हो मैदान पूरा। और कल तो भाई बहुत ज़्यादा रौनक होने वाली है यहाँ पे। बाकी पूजा मैडम पिछले मुकाबले अभी कैसा लग रहा है? ज़्यादा लग रही है ना, बाहर बहुत अच्छे स्टॉल लग गए। बाकी ये साइड भी ना इन्होंने पूरा पंडाल लगाया हुआ, अब इसका क्या है कि कल पता लग सकता है क्या कारण है। शायद इस तरफ जैसे ना पब्लिक गर्मी होने की वजह से बाहर खड़ी हो सके, इसके कारण इन्होंने पूरे ऊपर से ना पूरा पर्दा वर्दा लगा दिया है। ये चीज़ अच्छी ना, गर्मी से बच जाएंगे लोग। और मैं और पूजा मैडम अभी आपको दिखाएंगे जो रावण वगैरह आ चुके हैं, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ, उनके जो पुतले आ गए ना वो भी आपको दिखाएंगे। और थोड़ा सा हम दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे स्टेज तैयार हो रही है, जो कि यहाँ पे ना मतलब कल बच्चे वगैरह प्रोग्राम करेंगे। आपको याद है पिछले से पिछला ब्लॉग हमारा, उस टाइम पे यहाँ पे एक बार प्रोग्राम भी चल रहा था, हाँ मतलब कि रिहर्सल चल रही थी। हाँ लेकिन अभी पिछले साल भी कुछ ऐसा हो गया, इस साल भी कुछ ऐसे हो गया। बाकी भाई एक तो वो सामने आप देख सकते हो, ये रहा एक पुतला, अब ये शायद रावण का है या किसका, बाकी दो इस तरफ है और तीन ये है। कल सुबह आ जाएंगे इनके सर वगैरह भी जो भी है। हाँ बारिश वारिश का चक्कर है ना। और भाई बाकी ना मौसम वसम की खराबी की वजह से ये चीज़ बिल्कुल पूजा मैडम सही बता रहे हैं कि ये ना कई बार नुकसान हो जाता है, इसलिए ना उन्होंने पुतले अभी ऐसे रखे। और ये सारी की सारी बाउंड्री लगनी है यहाँ पे थोड़ी देर में, और पता नहीं गले में क्या हो गया खराबी से होगी। बाकी भाई ये देखिए, ये है हमारे जो पुतले आ चुके हैं, अब कौन सा किसका ये तो कल ही पता लगेगा। ये सामने सर वगैरह हो गया, तैयारियाँ हो रही है। ये है एक, यहाँ पे भी आ गया। हाँ ये है रावण जो ब्लैक कलर का वहाँ पे है ना, जिसने पोशाक ब्लैक वाली पहनी वो रावण हो गया। जिसका यहाँ पे गया ये होगा अपना कुंभकर्ण होगा, और वो मेघनाथ। तो ये देखो जी कुछ ऐसा, और ये रावण का सर है। दस ससर वाला रावण जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाकी यहाँ पे हो गया ये आपका कुंभकर्ण। तो भाई फाइनली अभी निकल रहे घर के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मैंने दिखाई रौनक मेले। बाकी दशहरा जो कल का है और जो जलंधर कैंट के हैं नज़दीक के, आप आइए देखिए, बहुत ही अपना बढ़िया दशहरा होता है यहाँ पे मेला। और साथ में सिक्योरिटी वगैरह भी अच्छी है, मतलब कि कोई ऐसा नहीं है, भीड़ भाड़ होती है, पुलिस होती है, हर चीज़ होती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है जलंधर कैंट की। तो भाई आइए इंजॉय कीजिए। फिलहाल हम मिलेंगे आपको भी शायद कल के ब्लॉग में। कल मैं कहाँ जाऊँगा ये मेरे को नहीं पता, कि होशियारपुर का दशहरा आपको दिखाऊंगा कि जलंधर कैंट के देखने को मिलेगा, ये तो भाई कल के ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल इस ब्लॉग के लेते हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। तो भाई ये साठ का जो है एक कप है, दो आएंगे 100 रुपए के, ये वाले ब्लैक वाले प्लास्टिक में चीनी मिट्टी का होता है।